फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीषा पेनीवाल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज इन विच वी विल कवर द सिलेबस ऑफ क्लास 9 साइंस। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीके से हम उसको कवर करने वाले हैं। एक तरीके से हम ओवरव्यू लेंगे हमारे सिलेबस का। तो इन टोटल देयर आर 15 चैप्टर्स विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग, कि हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर क्या है? हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी है, उसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे टोटल थ्री जो है कैटेगरीज हो सकती है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन वी विल सी कि हमारी ये जो तीनों स्टेट्स है इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लिक्विड को गैस में, या फिर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में। तो हम वो सब प्रोसेसेस पढ़ेंगे किस तरीके से हम इन तीनों स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर टू, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। सो व्हाट डू वी मीन बाय प्योरिटी? प्योरिटी से हमारा मतलब क्या है? एज अ लेमैन अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो मार्केट में जब भी हम घी लेने जाते हैं, देन वी यूज टू से कि भैया हमें प्योर घी देना, कि उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इन द टर्म्स ऑफ साइंस, तो हमारे आसपास जो भी मैटर है वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, वो क्या है? मिक्सचर है प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मिक्सचर्स एग्जिस्ट। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वेरियस टेक्निक्स जिनकी हेल्प से मैं मिक्सचर को कन्वर्ट कर सकती हूँ इन प्योर सब्सटेंसेस। तो ये सब हम पढ़ने वाले इन द चैप्टर नंबर टू। देन वी हैव द चैप्टर नंबर थ्री, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पहले कुछ लॉज पढ़ेंगे केमिकल कम्बिनेशन के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी सम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, बिकॉज जब भी हम एटम से मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई कम्बिनेशन होगा जो कुछ लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, देन वी विल मूव टू द एटम्स, की एटम्स क्या है, देन वी विल मूव टू द मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें, तो एटम्स क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट क्या? अपना प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? एटम है, लेकिन वो ऐसी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है उसका एटम है O, और जो उसका मॉलिक्यूल है O2। तो अगर मैं O की बात करूं, तो एनवायरनमेंट में कभी भी हमें O नहीं मिलेगा, मतलब O जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसी ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन मिल जाए, तो हमें मिलता है O2, दैट इज़ अ मॉलिक्यूल, और इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये इंडिपेंडेंटली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन द चैप्टर नंबर थ्री वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हमने देख लिया कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, लेकिन एटम होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, या फिर वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, उनके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगी, जैसे वो लिमिटेशन होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम मूव कर जाएंगे एक नए मॉडल पर। और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर।
तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इन शॉर्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी कि ये न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। अप टू चैप्टर नंबर 4 दिस इज द केमिस्ट्री पोर्शन, यहाँ तक हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। आगे जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी बायोलॉजी, और जो फर्स्ट चैप्टर इन द बायोलॉजी दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन की फंडामेंटल लाइफ क्या है, वी विल फाइंड इट इज अ सेल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सेल है क्या, ये हमारी बैटरी वाला सेल नहीं है या रिमोट वाला सेल नहीं है, ये हमारा जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या प्लांट्स में, एनिमल्स में ये सेल सेम रहती है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 6 पे, दैट इज टिश्यूज। सो टिश्यूज क्या है, टिश्यू इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जो हम ऊपर सेल्स पढ़ेंगे उनका अगर मैं एक गुच्छा बना दूँ तो दैट इज टिश्यू। तो क्या अगर मैं किसी भी सेल को ले लूँ, किसी भी सेल का ग्रुप ले लूँ, तो क्या वो टिश्यू बनाएगा या फिर वो सेल्स कुछ स्पेसिफिक होगी, तो ये सब हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 6। ये बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, और हम देखेंगे कि जो एनिमल्स की सेल्स हैं, प्लांट्स की सेल्स हैं, क्या वो सेम रहती है, उनके क्या टिश्यू सेम रहते हैं, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आएगा दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी मीन्स टू से वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, कैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड प्लांट्स आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो मान लिया एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, किसी की नाक की शेप कैसी है तो किसी की कुछ और है, तो ह्यूमन बीइंग्स भी सिमिलर नहीं है, वो भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बीइंग को कंपेयर करूँ एनिमल्स के साथ तो हमें क्या लगेगा कि ह्यूमन बीइंग्स की तो कैटेगरी एक है और एनिमल्स की कैटेगरी डिफरेंट है, और एनिमल्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे के अंदर, कि मंकी की कैटेगरी अलग है, काउस की अलग है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबकी कैटेगरीज अलग है, सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वही डिफरेंस जो है, वही जो डाइवर्सिटी है, वो हम पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर नंबर 7, अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, तो फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा दैट इज चैप्टर 8 ऑफ द सिलेबस इज अ मोशन। तो मोशन क्या है, एज अ लेमैन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन मोशन। और होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो दैट मीन्स वो क्या है, मोशन में है। तो हम चैप्टर 8 में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है चैप्टर भी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी टर्म्स आएगी लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, कुछ एक ग्राफ्स भी आएंगे जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे। तो चैप्टर 8 में जो है हम मोशन, जो कि हमारे आसपास हमेशा होता रहता है, जिसको हमने आज तक सिर्फ ऐसा लेमैन देखा है, उसको हम एज इन साइंस, एक साइंस स्टूडेंट की नज़र से देखेंगे, एज अ साइंटिस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन, ठीक है। फिर हम आएंगे फोर्स पे एंड लॉज ऑफ मोशन, तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कोई भी पुश या पुल है दैट इज़ फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ड्रॉर खोलना है देन आई विल पुल द ड्रॉर टुवर्ड्स मी, मैं उस ड्रॉर को अपनी तरफ खींचूंगी, तो
तो ड्रॉर खुल जाएगा। दैट मीन्स मैंने उस ड्रॉर के ऊपर फोर्स लगाया है, अगर मैं उस ड्रॉर को पुश कर दूँ तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। दैट मीन्स अगेन मैंने वहाँ पर फोर्स लगाया है। ठीक है, तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडीज द लॉज ऑफ मोशन, कि जो मोशन होती है वो कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो वो लॉज कौन से हैं, तो इन टोटल देयर आर थ्री लॉज, थ्री फंडामेंटल लॉज जिनको हम स्टडी करेंगे। और ये सब स्टडी करने के बाद वी विल मूव टू द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है, हम देखेंगे कि कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट है वो दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, मतलब उसको अपनी तरफ खींचता है, अनलेस उसके ऊपर चार्ज ना हो, क्योंकि चार्जेस के केस में कोई दूसरा फोर्स लगता है। ठीक है, तो हम इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। आपने सुना भी होगा कि अर्थ ग्रेविटी लगाती है, कि हम अगर अर्थ के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, हम जंप करते हैं, जंप करने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, वहाँ पे ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी भी जो है एक स्पेसिफिक केस है ग्रेविटेशन का, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वर्क एंड एनर्जी, कि हमने कुछ काम किया है और क्या एनर्जी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल वर्क के बारे में, और हमें पता है कि एनर्जी की भी बहुत वाइड रेंज है। ठीक है, एनर्जी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी भी रहती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी भी रहती है, हीट एनर्जी भी रहती है, लेकिन एज वी आर डीलिंग विद मोशन एंड मैकेनिक्स, तो हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। और हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी फर्दर दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी रहता है, और पोजीशन की वजह से, रेस्ट में पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 12 पे, दैट इज साउंड। साउंड मतलब आवाज, ध्वनि, कि साउंड होती क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है, और अगर उसे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है तो कैसे वो साउंड जाएगी। तो हम देखेंगे कि साउंड एक तरीके से वेव है जो ट्रेवल करती है, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इको क्या होती है। ठीक है, हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी बहुत पुरानी जगह जाते हैं या फिर हिल्स में जाते हैं और वहाँ पे हम कुछ चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ दो तीन बार वापस आती है, जिसे हम बोलते हैं कि गूंज रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इको। तो वो इको कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या कंडीशंस रहती है इको के लिए, किन कंडीशंस में इको जनरेट होगी, तो ये सब हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अप टू चैप्टर 12, फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 12 we will have the physical science portion or the physics portion, इसके अंदर हम पढ़ेंगे complete physics। उसके बाद जो chapter है हमारे 13th, 14th and 15th, ये हमारी biology और environmental science का mixture रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये एक mixture रहेगा जिसके अंदर biology भी जो है एक important role प्ले करेगी एंड एनवायरमेंटल साइंस पे। तो हमारे पास जो होगा चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ व्हाई डू वी फॉल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो बहुत सारे रीजंस है, फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, और हम बीमार पड़ रहे हैं, मतलब हमें कोई ना कोई डिजीज़ है, तो वो डिजीज़ क्या है, उसका कारण क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 13। Then we will move to the chapter number 14, that is natural resources। हमें पता है हमारी life जो है वो resources के ऊपर ही depend कर रही है। हमें जीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए, oxygen चाहिए, खाना चाहिए, तो ये हमें मिल कहाँ से रहा है। हमारा nature जो है, हमारी जो earth है उसके ऊपर पानी बहुत मात्रा में available है। ठीक है, ऑक्सीजन भी है हमारे पास, अगर हम अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखें तो ऑक्सीजन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एवरीथिंग वी हैव। ठीक है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो धीरे धीरे ही नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करती जा रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारे पास,
हमारा वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है, एयर पोल्यूटेड होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे सोर्सेज है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनको हम खुद कम करने की तरफ जा रहे हैं। तो यही सब कुछ जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हम उनको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर नंबर 14, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। आफ्टर दैट लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। फूड रिसोर्सेज वी हैव टू टाइप ऑफ पीपल, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वेजिटेरियन होते हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन फूड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उनकी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, कैसे हम उसकी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे एंड कैसे उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ये सब हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये सब जो है हमारा सिलेबस है, इसका हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है जिसको हम पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स को जानेंगे। और जो पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि टोटल 3 to 4 वीडियोज़ रहेंगी, जिसमें जो पहली 2 to 3 वीडियोज़ रहेगी दैट विल बी ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर हम जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो कवर करेंगे, और जो हमारे पास लास्ट वीडियो रहेगी उसमें हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एंड प्लस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 1,